दाती गुरु मंत्र में स्वागत है और बात करते हैं धनुराशि की। धनराशि वालों, समय प्रतिकूल, मन में तनाव और व्यग्रता बनी रहेगी और व्यवसायिक कार्य में आज परेशानियां, शत्रु रोड़े अटकाने का पूर्ण प्रयास करेगा। मानसिक उद्योग बढ़ेगा, गुप्त रोगों से आप परेशान हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों पर चिकित्सा का खर्चा बढ़ सकता है। धनराशि वालों, सुबह से लेकर शाम तक कैरियर को लेकर, कारोबार को लेकर, परिवार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर गोचर अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। छोटा सा उपाय है जो आपको करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाह गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। बेसन के बने लड्डू आप गरीब गाय या कुत्तों को खिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या करें, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें। क्या ना करें, घर और वातावरण कलहपूर्ण ना हो, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना मनन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, ग्रह गोचर सफलता का संकेत दे रहे हैं और गोचर के अनुकूल होने से आज दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी और दाम्पत्य जीवन संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। घूमने फिरने का अवसर मिलेगा और आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। कारोबार में उन्नति के अवसर है, यात्रा में लाभ और संतान पक्ष अनुकूल और किए गए प्रयासों के अनुकूल धन लाभ भी प्राप्त होगा। क्या करें, पारिवारिक खुशियों का ख्याल रखें। क्या न करें, कर्ज का लेन देन आज न करें तो बहुत अच्छा रहेगा नमनन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, सितारे ये कह रहे कि आज मनोकामना पूरी होगी, आज जो सोचा वो पूरा होगा, आज सरकार से लाभ मिलेगा, सरकारी अफसरों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, स्वजनों का भी सहयोग रहेगा, कारोबार की स्थिति अनुकूल, धन लाभ और आज सबसे बड़ी बात है जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उसका भी निवारण नजर आ रहा है। क्या करें, नवीन कार्य आरंभ कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। क्या ना करें तो बहुत जरूरी, अत्यधिक आत्मविश्वास में या जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें तो आपको ठीक रहेगा नमनन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग है, थोड़ा सा कारोबार को लेकर मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मेहनत के अनुरूप लाभ मिलेगा, कारोबार में अपनों का साथ मिलेगा, नए सहयोगी प्राप्त होंगे, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, धार्मिक आयोजनों में भाग लेंगे और आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा। लेकिन फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मीन राशि वालों, अनावश्यक थोड़ा सा तनाव है या आप पर हावी नहीं हो, इस बात पर ध्यान दे देना। क्या करें, सामाजिक कार्य करें, इससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। क्या ना करें, बेवजह के विवादों से दूर रहना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा नमोनारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रहण पर आधारित था। और अब मैं आपको ले चलता हूं अंकों की राशि में, दुनिया में क्या फलादेश दे रहे हैं अंक आपके लिए। सबसे पहले मूलांक एक और स्वामी सूर्य। मूलांक एक, किसी भी मनोकामना की पूर्ति का पूर्ण खुशी आपको प्राप्त होगी, सास और प्राकरण में वृद्धि और परिवार में आनंद रहेगा नमनन। बात करते हैं मूलांक दो की। मूलांक दो, स्वामी चंद्रमा है, राज स्वजनों से विवाद की आशंका नजर आ रही है। आज परिश्रम के बाद जो कार्यों में सफलता नहीं है, थोड़ा सा शांति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता है सफलता के लिए, इस बात का ध्यान रखें नमनन। और बात करते हैं मूलांक तीन। मूलांक तीन, गोचर ये कह रहा है कि किए गए परिश्रम के अनुकूल लाभ की प्राप्ति नहीं होने के कारण मन में थोड़ी सी बेचैनी रहेगी, लेकिन ये दोपहर 2 बजे तक है। मूलांक तीन वालों, दोपहर 2 बजे के बाद मन अनुकूल कार्य बनने से प्रसन्नता भी मिलेगी और दिन अच्छा गुजरेगा नमनन। बात करते हैं मूलांक चार की। मूलांक चार, अनावश्यक बिना किसी मतलब के क्रोध करना आज आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित है और आज कार्यों में सफलता के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। एक बात और कहना, तो मूलांक चार, आज अपनों के साथ बैठना बहुत जरूरी और कार्यों में अपनों का सहयोग लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा नमनन। और बात करते हैं मूलांक पांच की। मूलांक पांच, स्वजनों से मनमुटाव रहेगा, कारोबार की में प्रगति है, धन लाभ भी है, लेकिन आज स्वजनों से थोड़ा सा मनमुटाव है। यदि स्वजनों से मनमुटाव नहीं है तो दिन भर स्थिति आपके अनुकूल, एक छोटा सा जो भरम है संतान को लेकर उससे आप बाहर आइए, सफलता आपका दामन चूमेगी नमनन। और बात करते हैं मूलांक छह की। मूलांक छह, प्रयासों के बावजूद भी आज मनोअनुकूल सफलता नहीं मिलेगी दोपहर 12 बजे तक, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद समय बहुत अनुकूल है, किए गए प्रयास सफल होंगे, उच्च अधिकारियों को संबंध का लाभ मिलेगा और किसी मनोकामना की पूर्ति से मन में प्रसन्नता भी बनी रहेगी नमनन। बात करते हैं मूलांक सात की। मूलांक साहब, व्यवसायिक प्रगति और रोजगार के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम नजर आ रहा है, धन लाभ होगा, स्वास्थ्य उत्तम और परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा नमनन। बात करते हैं मूलांक आठ की। मूलांक आठ, जिसे के घर योगायोग, कानूनी मसलों में आज आप विजय रहेंगे, कोर्ट कचहरी के मसले आपके पक्ष में होते नजर आएंगे, राजकीय मामलों में इच्छित सफलता और लाभ के योग और यह नौकरी में
तो प्रसन्नता बनी रहेगी, खुशी बनी रहेगी, प्रसन्नता आपके साथ रहेगी। नंबर 9 बात करते हैं मूलांगनाओं की। मूलांगनाओ जिस तरह की खरीद योगा योग है, आज चल और अचल संपत्ति खरीदने के लिए उत्तम समय नजर आ रहा है। सफलता मिलेगी, परिवार में आनंद रहेगा और परिवार में मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। ये था मूलांक 1 से लेकर 9 लग तक का राशिफल। और अब मैं आपको ले चलता हूँ आज के उपाय। यदि आपका मनोबल कमजोर हो, काम करने में मन नहीं लगता हो, हमेशा आलस्य रहता हो, आज पछुआ रहता हो, चांदी की डिब्बी में पवित्र सरोवर या पवित्र नदी का जल भरकर आप अपने शयन कक्ष में रख दीजिए या पूजा घर में रख दीजिए। हर पूर्णिमा के दिन ये जल बदल दीजिए या हर अमावस्या के दिन ये जल बदल दीजिए, नया जल डाल दीजिए। आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। नमन। और बात करते हैं आज के नुस्खे। यदि आपको कब्ज है, गुलाब की पत्ती, शनाई, छोटी हरड़ तीनों को 3-2-1 के अनुपात से 50 ग्राम लेकर उबाल ले। चौथाई पानी रहने पर रात में गुनगुना ही पी जाए, कब्ज दूर करने में ये रामबाण साबित होगा। गुलाब की पत्ती, शनाई और छोटी हरड़ तीनों को 3-2-1 के अनुपात से 50 ग्राम लेकर उबाल ले और चौथाई पानी रहने पर गुनगुना ही पी जाए, कब्ज दूर करने में ये जो नुस्खा है रामबाण है। 2 चम्मच गुलकंद में 100 ग्राम सौंफ पीस कर मिला दे और सुबह शाम भोजन के बाद इसका सेवन करके देखे, संपूर्ण पेट संबंधी बीमारी छुटकारा मिल जाएगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमन आ रहे। दाती गुरु मंत्र का समय है और यह समय बहुत शुभ है मेरे लिए, क्योंकि मैं वो कहने जाता हूं जो मुझे कहना चाहिए, लेकिन इंतजार आपको करना पड़ेगा। इसके बाद मैं वो सुझाव बताऊंगा जिससे कि आपका सोमवार ठीक रहे। कुछ लोगों ने जीवन को भोजन के अलावा और किसी से जोड़ा ही नहीं, उनकी जीवन की संपूर्ण आवश्यकता भोजन के आसपास रहती है। मैं जानता हूं जीवन में अच्छा भोजन और सुख की नींद सबको जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ सत्य का पालन, सदाचार, लगन और परिश्रम भी उतना ही जरूरत है। भौतिक सुख से इस जीवन में भौतिक सुख से तो आप जानकार है, दिन रात अर्जित करने और उपभोग करने में आप परिश्रम करते, परंतु इस कार्य में नेक भावना और यदि संस्कार जुड़ जाए तो यह सुख वास्तविक में परम सुख में बदल जाएगा। पाप करके सुख के साधन जुटाने में कोई आनंद नहीं है, मेरा विश्वास करना, अल्टीमेट अस्पताल, एक्सीडेंट या बीमारी में खर्च होता मैं देखा हूं। पाप करके आप साधन तो जुटा जाएंगे लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। सभी सुख के साधन उपभोग के लिए है, परंतु सत्य की संभावना छिपी होनी चाहिए, तब आनंद आता है। साधन सारे उपभोग के हैं लेकिन उन साधनों में सत्य की संभावना छिपी रहना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस जीवन को सहज मार्ग पर चलाना चाहते हो कि परमानंद की प्राप्ति हो, शकुन से भरा जीवन हो, तो बहुत जरूरी है कुसंगति और दुराधार और क्रोध से बेकार नहीं करना चाहिए। जीवन में कुसंगति नहीं हो, दुराचार से दूर रहें और क्रोध से इस जीवन को बेकार नहीं करना चाहिए यदि जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो। संतों की क्षण में कुछ क्षण अवश्य बिताना चाहिए, संतों की शरण बहुत अच्छी मानी गई, संतों की संगत बहुत अच्छी मानी गई है। जीवन को लड़ाई झगड़ों के क्षणों से नष्ट नहीं करना चाहिए। जब आप आपत्ति के क्षण में आए तो बड़ों का सहयोग जरूर लेना चाहिए, जीवन में अच्छे आदर्श अपनाना चाहिए, जीवन को नई दिशा देना चाहिए और कुसंगति और बुरे आचरण से जीवन को नष्ट करने से बचाना चाहिए, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। बहुत जरूरी है इन बातों, जीवन बड़ा सहज है, जीवन के पास समय नहीं है कि व्यर्थ की बातें सोचे, मात्र आनंद के साथ जोड़ के देखिए, उस आनंद के परमानंद की जो गहराइयां हैं उस शब्द के साथ जोड़ के देखिए, जीते जी जीवन एक सरल एक सहज बन जाएगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। सुझाव की बात करूं, उससे पहले मैंने नुस्खों की बात करी, टोटकों की बात करी, अंकों के राशिफल बात करी, राशिफल की बात करी और सुझाव की, ये सारा आपको www.sunnydam.in पे मिल जाएगा। लोगों ने कहा है कि दाती महाराज हमें जन्म कुंडली मेल के द्वारा चाहिए, हमें किताबें थ्रू कोरियर चाहिए, 9910692001 ये वो नंबर है जिससे आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली मंगवा सकते हैं, बुक्स मंगवा सकते हैं, या आप
शनिधाम की कुछ जानकारी हासिल भी करना चाहते तो भी मिल जाएगी, लेकिन इस नंबर पर मेरे से बात नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखें। 9910692001 ये दिल्ली का नंबर है, 00 जरूर लगा देना। और बात करते हैं आज का सुझाव। यदि रोग आपके साथ चोली दामन से जैसे जुड़ गया हो, हमेशा कोई ना कोई बीमारी आपको घेर रहती है, तो आज के दिन कस्तूरी और चंदन का शिवलिंग बनाएं, श्रद्धापुर पंचबाजार पूजन करें, तत्पश्चात रुद्र अष्टदाई मतलब रुद्री का पाठ करें या सुने, तत्पश्चात शिवलिंग को अपने ऊपर से 7 बार उसकार कर बहते पानी में प्रवाह कर दे, संपूर्ण कष्ट और परेशानी का निवारण मिल जाएगा। आज के दिन ये उपाय 12 के 12 राशियों के लिए बहुत शुभ, बहुत अनुकूल है। आज इतना ही, कल नए उपाय नए नुस्खे को लेकर आऊंगा, तब तक के लिए सबको मेरा नमन।